गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुहानू मैं कल क्वेश्चन आंसर करवाए सी। पहला मैं तुहानू रुत्तां करवाईयां सी, रुत्तां बारे करवाया सी, फिर मैं तुहानू त्यौहारां बारे करवाया सी ना त्यौहारां बारे, फिर त्यौहारां दे तुहानू मैं दो तीन क्वेश्चन भी करवाए सी, जिंदे विच तुहाडे दो तीन क्वेश्चन रह गए सी। ठीक है, अज असीं उही क्वेश्चन करन वास्ते जा रहे हां। किहड़ा त्यौहार किहड़ा सी मनपसंद आ? दिवाली। ठीक है, हम देखो दिवाली के त्यौहार के बारे लिखवा रही हूँ। उस दिन तुहाडे मम्मी खान लई केड़ी मनपसंद चीज़ बनाउंदे हन? उस दिन तुहाडे मम्मी खान लई तुहाडी केड़ी मन पसंद चीज बनाउंदे हन? इहदा की आएगा आंसर की आएगा? उस दिन साडे मम्मी खान लई साड़ी ही मन पसंद दी चीज साड़ी ही मन पसंद चीज बनाउंदे हन। यानी कि साडे मम्मी साड़ी ही मन पसंद दी चीज बनाउंदे हन। नेक्स्ट की है? तुसी उस दिन की करदे हो? यानी कि जिस दिन ये त्यौहार हुंदा है उस त्यौहार बारे पूछा कि तुसी उस दिन की करदे हो। नेक्स्ट की है? तुसी उस दिन की करदे हो? असी उस दिन यानी कि जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन पर ही कह रहे हैं। असी उस दिन सवेरे नहा के नाश्ता करके बाजार मम्मी पापा नाल जाते हाँ। सजा हुंदा है। असी मिठाई लेके अते अपनी मनपसंद दियां चीजां लेके घर आंदे हां। रात नूं लक्ष्मी पूजा करके पटाखे चलांदे हाँ। सिर्फ उस दिन बारे ही पूछा उन्होंने, तो आप उस दिन बारे ही दसना है।
ठीक है। दो प्रश्न से ये थोड़े दोनों प्रवेश प्रश्न ही मैं करवा देती हूँ। देखो तुसी अगला रंगा दे नाम एक बार फिर तो करवा देनी है, रंगा दे नाम। चलो रंगा दे नाम लिखो, रंगा दे नाम। हूँ देखो रंगा दे नाम, रंगा दे नाम यानी कि कलर नेम, रंगा दे नाम यानी कि कलर नेम। केड़े केड़े होंगे नी, आसमान का रंग किस तरह का होता है, आसमान का, आसमान का रंग किस तरह का होता है, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, नीले की करोगे अंडरलाइन, आसमान का, आसमान का रंग नीला होता है। दूसरा देखो ये थोड़ी बुक में ही करवा रही है, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पहला करवाया हुआ है। पहले मैं तुम्हें सिंपल करवाए सी रंगा दे नाम, आज मैं तुम्हें थोड़ी बुक वाला ही मटेरियल करवा रही हूँ। देखो दूसरा है चित्र भी बने हुए हैं ना, दूसरा है सेब का रंग डैश हुंदा है, सेब दा रंग डैश हुंदा है, तो की आएगा लाल, जरा फिल करना अंडरलाइन कर देंगे, सेब दा रंग लाल हुंदा है। नेक्स्ट है का दा रंग डैश हुंदा है, का दा रंग डैश हुंदा है, का समझ गया ना, घा हिंदी में घास बोलते हैं, पंजाबी में घा, घा दा रंग डैश हुंदा है, कड़ा होगा हरा, का दा रंग की होंदा हरा, नाले थोड़े सेंटेंस बनी जाते हैं, नाले थोड़े कलर नेम हो रही है, ठीक है, वाकों में कलर नेम हो रही है। हम अगला देखो ब्लैक बोर्ड का रंग डैश है, ब्लैक ब्लैक बोर्ड का रंग डैश है, ब्लैक बोर्ड का रंग किस तरह का होता है, काला, ब्लैक बोर्ड का रंग किस तरह का होता है, काला, तो की आएगा इसे फिलिंग दे ब्लैंक से किया हुआ कलर में काला, ब्लैक बोर्ड का रंग काला होता है। अगला देखो पंजवा फिलिंग दे ब्लैंक, सूरजमुखी का रंग डैश होता है, सूरजमुखी का रंग डैश होता है, सूरजमुखी का एक फुल भी होंगे है, सूरजमुखी के केड़े रंग दे होंगे हैं, पीले रंग के, केड़े रंग दे होंगे हैं, पीले रंग दे, ऐसे रंग के इतने केड़ा कलर भरया जाएगा, पीला, केड़ा भरया जाएगा, पीला, सूरजमुखी का रंग, सूरज मुखी का रंग डैश हुंदा है, केड़ा आएगा पीला, सूरजमुखी का रंग पीला हुंदा है। हुण अगला देखो चॉकलेट, चॉकलेट का रंग डैश हुंदा है, चॉकलेट वैसे तो हुंदा है इत्थे पंजाबी चॉकलेट, चॉकलेट तो इत्थे की होगा चॉकलेट की थां ते की बोलिया जाऊगा चॉकलेट, चॉकलेट तो किस रंग की होंदी है, भूरे रंग की, किस रंग की होंदी है, भूरे रंग की यानी कि ब्राउन रंग की, ठीक है, तो की आऊगा चॉकलेट दा रंग डैश हुंदा है, की आएगा भूरा, चॉकलेट का रंग भूरा हुंदा है, ठीक है। एक तो थोड़े से मैं प्रश्न उत्तर करवाए थे त्योहारों के, जो प्रश्न उत्तर बचे हुए थे दो प्रश्न उत्तर भी करवाते, फिर मैं थोनों बुक विच्चों पेज नंबर 70 कलर नेम सेंटेंस में कलर नेम करवाए है, वाक लिखे है, फिर वाक नू कलर नाल फिल किया, ठीक है, इन्हें थोड़े वाक भी बन गए तो कलर नेम भी
फिर तो रिवाइज हो गई। ऐसे नाल ही हुण मैं तुहानू अगली वीडियो विच मुहारनी या गिनती करवाऊंगी। धन्यवाद।